So our next chapter is application of Laplace transformation. Very very easy chapter. So solution of ordinary differential equations with constant coefficients. So using Laplace transformations we can find solutions of the ordinary differential equations. जिसमें से सबसे first है to find the solution of ordinary differential equations with constant coefficients. So बहुत easy है, इसमें बस आपने ये results हमने पहले किए थे. लैपलेस ऑफ वाई डैश टी क्या होगा, हमने किया था ना कि अगर हमारा एफ ऑफ एफ डैश टी का अगर हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लेना होता है तो आंसर क्या आता है हमारे पास, एस टाइम्स एफ ऑफ एस माइनस एफ एट ज़ीरो. सो ये रिजल्ट हम पढ़ के आए हैं. तो यही इन्होंने लिखा वाई डैश टी, क्योंकि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो वाई की टर्म्स में होती हैं, स्मॉल वाई की. सो अगर हमने लैपलेस ऑफ वाई डैश टी लेना है तो क्या हो जाएगा, एस टाइम्स कैपिटल वाई एट एस माइनस वाई स्मॉल वाई एट ज़ीरो. सो कैपिटल वाई एट एस क्या डिफाइन करता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई एट, ये लिखा हुआ इन्होंने, कैपिटल वाई ऑफ एस डिनोट्स द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वाई ऑफ टी. सो सिमिलरली लैपलेस ऑफ वाई डबल डैश टी क्या होगी, एस स्क्वायर वाई एट एस माइनस एस वाई एट ज़ीरो माइनस वाई डैश एट ज़ीरो. सिमिलरली ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए एस क्यूब इंटू लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर वाई एट ज़ीरो माइनस एस वाई डैश एट ज़ीरो माइनस वाई डबल डैश एट ज़ीरो एंड सो ऑन. सो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम फिफ्थ चैप्टर में पढ़ के आए हैं और यही रिजल्ट्स यहाँ पे यूज़ होंगे. तो आप देखोगे बहुत ही ईजी है डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड करना यूजिंग द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व दिस इक्वेशन. सो दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सबसे पहले इन्होंने वाई के टर्म्स में लिख लिया तो ये बन गया वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स कॉस टी. नाउ टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स एंड राइटिंग लैपलेस ऑफ स्मॉल वाई एज कैपिटल वाई, वी गेट लैपलेस ऑफ वाई डबल डैश प्लस लैपलेस ऑफ वाई इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स लैपलेस ऑफ कॉस टी. लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे. अब वाई डबल डैश की लैपलेस क्या होगी, एस स्क्वायर कैपिटल वाई माइनस एस वाई एट ज़ीरो माइनस वाई डैश एट ज़ीरो. एंड लैपलेस ऑफ वाई क्या होगी, सिंपली कैपिटल वाई से डिनोट किया है इसको, सिक्स एज इट इज़. कॉस टू टी की लैपलेस हमें पता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर होती है. नाउ इन द क्वेश्चन वी आर गिवन दैट वाई एट ज़ीरो इज़ थ्री एंड वाई डैश एट ज़ीरो इज़ वन. सो वाई डैश एट ज़ीरो की वैल्यू थ्री और वाई डैश एट ज़ीरो की वैल्यू वन पुट कर दी यहाँ पे. कैपिटल वाई वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लिया सो कैपिटल वाई की वैल्यू ये आ गई सिक्स एस ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर और ये थ्री एस माइनस थ्री एस माइनस वन उधर जाके थ्री एस प्लस वन हो गया. एंड नेक्स्ट स्टेप में इसको एस स्क्वायर प्लस वन से डिवाइड कर दिया. सो थ्री एस के नीचे आएगा एस स्क्वायर प्लस वन, फिर वन के नीचे आएगा एस स्क्वायर प्लस वन एंड सिक्स एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर. नाउ जब हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी होगी तो इसकी लैपलेस हमें पता है कॉस टी हो जाएगी, इसकी वन बाय ए साइन टी हो जाएगी. बट इसकी लैपलेस कैसे निकालेंगे, सो ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड यूज़ किया है इन्होंने. आप ये देखोगे अगर मैं एस स्क्वायर प्लस वन इन्होंने किया है एस स्क्वायर प्लस फोर माइनस एस स्क्वायर प्लस वन अगर मैं करती हूँ डिनोमिनेटर का डिफरेंस, ये हमने किया था इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशंस में यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. वहाँ पे हमने ये मेथड किया है कि जब डिनोमिनेटर में सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म्स होती हैं, टू डिग्री टर्म्स होती हैं, तो उनका सम या डिफरेंस देख लो, क्या सम नहीं डिफरेंस देखोगे आप क्या बनेगा. सो अगर मैं एस स्क्वायर प्लस फोर माइनस एस स्क्वायर प्लस वन करती हूँ तो थ्री बनता है, तो इसीलिए इन्होंने थ्री से यहाँ पे डिवाइड कर दिया. सो फाइनली मेरे पास आ गया टू एस, यहाँ पे एक बार एस स्क्वायर प्लस फोर कैंसिल होकर वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन बचेगा, दूसरी बार एस स्क्वायर प्लस वन कैंसिल होकर वन ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर. सो नेक्स्ट स्टेप में ये टू एस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये आ गया आपके पास, इसकी इन्वर्स लैपलेस भी हमें पता है. ओके इन्होंने क्या किया, थ्री एस प्लस टू एस तो ये बन गया फाइव एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन एंड देन वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन एंड दिस माइनस टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर. सो अब ये देखो जितनी भी इसकी इन्वर्स लैपलेस कॉस टी पता है, इसकी साइन टी पता है और इसकी कॉस टू टी हो जाएगी. तो अब क्योंकि मुझे सबकी लैपलेस इन्वर्स लैपलेस पता है सो आई एम टेकिंग इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स. सो इन्वर्स लैपलेस ऑफ वाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू फाइव टाइम्स इन्वर्स लैपलेस ऑफ दिस. लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दी है यहाँ पे.
सो वाई की इन्वर्स लैपलेस होगी स्मॉल वाई, इसकी इन्वर्स लैपलेस होगी कॉस टी, इसकी होगी साइन टी, एंड एस ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर इज कॉस टू टी, एंड हेंस दिस इज द सॉल्यूशन। सो बहुत इजी है ये चैप्टर, प्रोवाइडेड आपको फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए, एंड इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने जितने भी मैथड्स किए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सॉल्व डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी, वेयर एक्स एट ज़ीरो इज एल, एक्स डैश एट ज़ीरो इज एम, बाई यूजिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड हैंस सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हैंस सॉल्व का मतलब, हैंस का मतलब हमेशा क्या होता है कि आपने ऊपर जो भी चीज़ सॉल्व किया है उसको यूज़ करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो ये गिवन है, तो अब इसको मैं क्या लिखूंगी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का मतलब एक्स डबल डैश प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी, टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स एंड राइटिंग लैपलेस ऑफ स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। सो जब आप इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लोगे ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ की, तो एक्स डबल डैश की इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी, एस स्क्वायर कैपिटल एक्स माइनस एस एक्स एट ज़ीरो स्मॉल एक्स एट ज़ीरो माइनस एक्स डैश एट ज़ीरो प्लस अल्फा स्क्वायर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ टी की लैपलेस हमने सपोज कर ली जी ऑफ एस, कैपिटल जी ऑफ एस। ना यूजिंग द गिवन कंडीशंस एक्स एट ज़ीरो एंड एक्स डैश एट ज़ीरो की आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आ गया, कैपिटल एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट कर लिया, कॉन्स्टेंट टर्म्स को उधर ले गए, देन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इसको, ये बन गया एल टाइम्स एस ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस एम ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस जी एट एस एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। नाउ टेकिंग इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, इसकी इन्वर्स लैपलेस हमें पता है कॉस अल्फा टी हो जाएगी, इसकी वन बाई अल्फा साइन अल्फा टी हो जाएगी, बट इसकी इन्वर्स लैपलेस अभी हमने फाइंड करनी है, तो इन्होंने क्या किया इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसकी इन्वर्स लैपलेस के लिए दे आर यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इसलिए यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि जी ऑफ एस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। सो दिस इज इक्वल टू इन्वर्स लैपलेस ऑफ एफ एस इंटू जी एस, एफ ऑफ एस क्या हो गया वन ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, जिसकी इन्वर्स लैपलेस हमें पता है वन ओवर अल्फा साइन अल्फा टी होती है। सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंगली दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। सो एफ ऑफ यू की वैल्यू यहाँ से हमें पता लग गई वन बाई अल्फा साइन अल्फा यू, एंड ये जी ऑफ टी था तो यहाँ आ जाएगा जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। सो दिस इज़ वन बाई अल्फ़ा ज़ीरो टू टी साइन अल्फ़ा यू इंटू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू। सो अब क्योंकि हमें जी ऑफ टी माइनस यू के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हमने एक्स इज इक्वल टू एल कॉस अल्फ़ा टी प्लस एम बाई अल्फ़ा साइन अल्फ़ा टी प्लस वन बाई अल्फ़ा इस इंटीग्रल को एज इट इज़ यहीं पे छोड़ दिया, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अब इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे था अल्फ़ा स्क्वायर एक्स यहाँ पे, तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू 9, दैट मीन्स अल्फ़ा इज 3, एंड यहाँ पे था जी ऑफ टी, सो जी ऑफ टी आ गया 39 ई रेस टू पावर टी, एल की वैल्यू आ गई 1 एंड एम की वैल्यू भी आ गई 1, ये गलती से दो बार लिखा गया। सो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, सो एक्स इज इक्वल टू एल की वैल्यू 1, अल्फ़ा की वैल्यू 3 कॉस 3 टी, यहाँ पे भी एम और अल्फ़ा की वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1 बाई 3 साइन 3 टी प्लस 1 बाई 3, सो जी ऑफ टी अब है 39 ई रेस टू पार टी, तो जी ऑफ टी माइनस यू क्या हो गया 39 ई रेस टू पार टी माइनस यू डी यू, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेट कर रहे हैं, ई रेस टू पार टी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, वी आर लेफ्ट विद ई रेस टू पार माइनस यू साइन 3 यू, ये 4 गलती से लिखा है इन्होंने, यहाँ पे यू आएगा, सो ई रेस टू पार माइनस यू साइन 3 यू डी यू। सो इन्होंने इसको यहीं पे छोड़ दिया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आई लेट लगा के आराम से, सो आप इसको इंटीग्रल को पूरा सॉल्व करके यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट आंसर। आपने पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, आपके पास वो रिजल्ट भी है ना ई रेस टू पार ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स वाला, सो आप वो भी यूज़ कर सकते हो उसमें। सो देख रहे हो आप बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं इसके सारे,
नेक्स्ट है सॉल्व द इक्वेशन दिस वेयर वाई एट जीरो एंड वाई डैश एट जीरो इज जीरो. तो ये तो और भी ईजी हो जाएगा जब आप इसकी इनवर्स इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लोगे तो क्या आ जाएगा एस स्क्वायर कैपिटल वाई माइनस एस वाई डैश एट जीरो जीरो है माइनस वाई एट जीरो वो भी जीरो है प्लस लैपलेस ऑफ वाई को हमने कैपिटल वाई लिया हुआ है इज इक्वल टू. अब इसकी इनवर्स लैपलेस कैसे सॉरी इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेंगे साइन टी की लैपलेस होती है वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी इसमें क्योंकि ए रेज़ टू पावर माइनस टू टी मल्टीप्लाइड है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम. सो एस विल बी रिप्लेस्ड बाय एस प्लस टू सो वन ओवर एस प्लस टू की होल स्क्वायर प्लस वन. सो आई एम गेटिंग कैपिटल वाई इज इक्वल टू वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव. अब आपको निकालनी है इसकी इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन. सो आपको करना पड़ेगा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन. आप चाहो तो इसको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से भी कर सकते हो. अब नाउ इट्स टोटली अप टू यू. सो इन्होंने पार्शियल फ्रैक्शंस किए हैं क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक हैं तो एस प्लस बी ओवर एस स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एस प्लस डी ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव. सो नेक्स्ट क्या होगा क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एस. सो जब लाइक पावर्स ऑफ एस के कोफिशियंट्स को इक्वेट करेंगे तो एस क्यूब का कोफिशियंट इक्वेट करने से ये आ गया एस स्क्वायर का एस का एंड कॉन्स्टेंट टर्म. सो ए बी सी डी चार वेरिएबल्स हैं और चार ही कॉन्स्टेंट्स हैं तो इनको सॉल्व करके आप कैलकुलेशंस हैं सिंपल. सो इसको पूरा सॉल्व करके आप ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालोगे और वो ए बी सी डी की वैल्यूज़ वापस जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाली लिखी थी इक्वेशन उसमें सब्सटीट्यूट करोगे. सो कैपिटल वाई इज़ फाइनली इक्वल टू दिस. सो वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन माइनस एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन देन एस प्लस टू प्लस वन कर दिया इन्होंने यहाँ पे ताकि हम यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकें. सो इसकी इनवर्स लैपलेस हमें पता है क्या हो जाएगी साइन टी इसकी हो जाएगी कॉस टी साइन टी माइनस कॉस टी. इसमें जब ई रेज़ टू पावर माइनस टू टी से मल्टीप्लाई करोगे तो इनवर्स लैपलेस ऑफ एस प्लस वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन रहेगा फिर आप उसको अलग अलग करोगे. सो जब एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन है तो कॉस टी और जब वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन है तो साइन टी. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सो आई वॉज सेइंग कि आप इसको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से भी कर सकते हो. अगर हम इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते तो कहाँ गया हमारा ये. सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाते तो हमारे पास आता है लैपलेस इनवर्स ऑफ दिस. सो इसको मैं लैपलेस इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस लिखती हूँ ठीक है. सो एफ एस हो जाता मेरे पास वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन. सो इसका मतलब एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी एंड जी ऑफ एस होता वन ओवर एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फाइव. सो जी ऑफ टी करने के लिए हम क्या करते ये कैसे आया था ये ऐसे ही आया था ना एस प्लस टू की होल स्क्वायर प्लस वन करके. सो पहले ई रेज टू पावर माइनस टू टी करते तो वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन बनता इन टू साइन टी आता फिर. सो अब आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगाओगे सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी ई रेज टू पावर माइनस टू यू साइन यू इन टू साइन ऑफ टी माइनस यू डी यू ठीक है. फिर आप क्या करो इसमें टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करके टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दोगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी. उससे आपके पास ई रेज टू पावर माइनस टू यू एक बार जब माइनस करोगे तो साइन टी माइनस टू कॉस टी माइनस टू यू आ जाएगा माइनस जब प्लस करोगे तो कॉस टी आ जाएगा. सो सिंपल इंटीग्रेशन है आगे तो आंसर आपका सेम आएगा जो कि फिर लिमिट्स पुट करोगे जीरो टू टी. सो यू विल गेट द सेम आंसर एज दे आर गेटिंग. सो आप इसको दोनों तरह से कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन से भी एंड कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से भी. सो इनफैक्ट इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन में से जब आपको क्वेश्चन आता है पेपर में तो उसमें भी वैसे आपकी मर्जी होती है कि आपने चाहे पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है चाहे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. बट कई बार वो स्पेसिफिकली लिख देते हैं दैट फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बाई यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम तो आपको आनी ही चाहिए.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी टी माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू थ्री. सो आई डोंट थिंक दैट आई नीड टू डिस्कस दिस एग्जाम्पल नाउ. सिंपल उन्होंने देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लिया ऑन बोथ साइड्स. सो वाई डबल डैश की लैपलेस आपको पता है स्क्वायर कैपिटल वाई माइनस एस वाई एट जीरो माइनस वाई डैश एट जीरो होती है. वाई डैश की लैपलेस एस कैपिटल वाई माइनस वाई एट जीरो होती है. एंड ये सिंपल कैपिटल वाई वन की लैपलेस होती है वन बाई एस. कैपिटल वाई वाली टर्म्स को कलेक्ट करोगे वाई एट जीरो वाई डैश एट जीरो की यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे. फिर जो कॉन्स्टेंट टर्म्स होती हैं वो राइट हैंड पे जाके बेसिकली आपने कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड करने के बाद नेक्स्ट पर्पस होता है हमारा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने का. सो यहाँ पे इनवर्स लैपलेस के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ कर रहे हैं उन्होंने. अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस ही होगा. सो आपने क्या करना है अब यहाँ पे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं. ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस माइनस थ्री प्लस सी ओवर एस प्लस टू करके बहुत ईजिली पार्शियल फ्रैक्शंस बन जाएंगे. एक बार एस को जीरो पुट करोगे एक बार थ्री और एक बार माइनस टू. सो ये कैपिटल वाई की वैल्यू आ गई. नाउ टेकिंग इनवर्स लैपलेस. सो ये सारे इजी हैं इनवर्स लैपलेस इजीली यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर फाइव. अब इसमें डी प्लस टू की होल स्क्वायर है. सो कोई बात नहीं होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर. सो वाई से करके वाई लिख के वाई डबल डैश प्लस फोर वाई डैश प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फोर ई रेज टू पार माइनस टू टी. सो नाउ रेस्ट इज ऑल प्रैक्टिस. अब ये एग्जांपल्स आपके प्रैक्टिस मांगते हैं टोटली. इसमें कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है. सारा कुछ वही यूज़ हो रहा है जो हम फिफ्थ और सिक्स चैप्टर में पढ़ के आए हैं. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस एग्जांपल. एग्जांपल नंबर फाइव आप खुद पढ़ोगे. स्टेटमेंट देखो और खुद करने की कोशिश करो. जहाँ पे नई स्टेप समझ आ रहा है वहाँ पे हेल्प ले लो. नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर सिक्स. सो ये ध्यान रखना आप कई बार वो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर लिखते हैं कभी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखते हैं. तो नोटेशंस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. एंड अब यहाँ पे x डबल डैश प्लस x डैश इक्वल टू t है. सो टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड राइटिंग. सो ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप लैपलेस ऑफ x को कैपिटल x से डिनोट कर रहे हो. सो आपकी राइटिंग में जब आप लिखोगे तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप कैपिटल x लिख रहे हो या स्मॉल x लिख रहे हो. ठीक है. और आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो कैपिटल x है वो s का फंक्शन है, स्मॉल x है वो t का फंक्शन है. सो ईजी है. देखो ये एक्स डबल डैश पे लैपलेस लगाई है, ये एक्स डैश पे लगाई है और ये टी की लैपलेस है. कैपिटल एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट किया, यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं, कैपिटल एक्स की ये वैल्यू आ गई है. सो इसकी इनवर्स लैपलेस के लिए इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने ले लिया इसका एलसीएम. एलसीएम लेके इन दोनों टर्म्स का ये आ गया. एंड ओके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए हैं तो इन्होंने अब यहाँ बना के नहीं दिखाए हैं, तो आप खुद बनाना यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस. सो एस क्यूब वाली टर्म है तो पता है जब रिपीटेड होता है तो आप कैसे बनाते हो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस. ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस स्क्वायर प्लस सी ओवर एस क्यूब प्लस डी ओवर एस प्लस वन. सो ए बी सी डी की वैल्यूज़ एक बार एस को ज़ीरो पुट करोगे एक बार माइनस वन पुट करोगे एंड उससे आपको दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी. बाकी वैल्यूज़ के लिए आपको लाइक पावर्स ऑफ एस को इक्वेट करना पड़ेगा. सो पार्शियल फ्रैक्शंस आपको आते हैं. इसकी इनवर्स लेना बहुत ईजी है एंड हैंस दिस विल बी द आंसर. ये इन्होंने अल्फ़ा क्यों लिखा है यहाँ पे अल्फ़ा एस. ये क्या करना है स्क्वायर एक्स के एक्स एट ज़ीरो इज़ ओके. देखो इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली क्या है एक्स एट ज़ीरो की वैल्यू नहीं दी हुई क्वेश्चन में. तो हमने क्या किया एक्स डैश एट ज़ीरो की वैल्यू दी हुई थी बट एक्स डैश एट ज़ीरो की दी हुई है बट क्योंकि एक्स एट ज़ीरो की वैल्यू नहीं दी हुई तो हमने अल्फ़ा सपोज कर ली. तो इसीलिए हमारे क्वेश्चन में अल्फ़ा आ रहा है फाइनल आंसर में. तो फाइनली फिर अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए दे आर यूजिंग एक्स एट वन इज़ ज़ीरो. तो आंसर निकालने के बाद आप एक्स एट वन यानी कि जब टी को वन पुट करोगे तो एक्स एट वन इज़ ज़ीरो. सो सब में टी को वन पुट करके इधर ज़ीरो पुट करने से आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी. और फिर ये अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ डाल के दिस इज़ योर कम्प्लीट आंसर. ठीक है. सो दिस वॉज द ओनली डेविएशन. नेक्स्ट इज एग्ज़ाम्पल नंबर सेवन.
सो अभी इसमें थर्ड डिग्री डेरिवेटिव तक आ गया. सो थर्ड डिग्री है तो वाई ट्रिपल डैश का लैपलेस आपको पता है, एस क्यूब कैपिटल वाई माइनस एस स्क्वायर वाई एट जीरो माइनस एस वाई डैश एट जीरो माइनस वाई डबल डैश एट जीरो. तो इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन में वाई डबल डैश एट जीरो तक दिया हुआ है. राइट हैंड साइड में क्योंकि जीरो ही है तो जीरो की लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन जीरो ही रहेगी. तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका. यस, इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस भी सिंपल लीनियर पार्शियल फ्रैक्शंस हैं. सो यू आर इजीली गेटिंग द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8. सॉल्व द इक्वेशन वेयर वाई एट जीरो इज जीरो एंड वाई डैश एट जीरो इज 1. सो इसमें वाई डबल डैश है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन दिया है एस स्क्वायर वाई माइनस एस वाई एट जीरो माइनस वाई डैश एट जीरो. ठीक है, उधर से साइन टू टी की लैपलेस ली है, देन वैल्यू सब्सटीट्यूट की है वाई एट जीरो एंड वाई डैश एट जीरो की, देन कैपिटल वाई वाली टर्म्स को कलेक्ट करके एंड दे आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल वाई. सो यहाँ पे अब अगर आप देखो तो इनवर्स लैपलेस निकालते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इसकी इनवर्स लैपलेस तो आ जाएगी ना फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, ई रेस टू पार टू टी इंटू इनवर्स लैपलेस ऑफ वन बाय एस स्क्वायर. सो वन बाय एस स्क्वायर की क्या होती है, टी रेस टू पार वन ओवर वन फैक्टोरियल. सो इसकी इनवर्स लैपलेस हमें इजिली मिल जाएगी. सो प्रॉब्लम आएगी इसकी इनवर्स लैपलेस फाइंड करने की. सो इसके लिए इन्होंने कर दिया पार्शियल फ्रैक्शंस. रिपीटेड रूट्स के लिए ऐसे लिखते हैं, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म है तो ऊपर लीनियर टर्म आएगी सी एस प्लस टी. सो एक बार आप एस को टू पुट कर लेना तो आपको ए बी सी डी में से एक कांस्टेंट मिल जाएगा. बाकी कांस्टेंट्स के लिए आपको लाइक पावर्स ऑफ एस को इक्वेट करना पड़ेगा. सो एस को जीरो पुट किया इन्होंने, ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एस को जीरो पुट करने का मतलब है बेसिकली कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट करना. सो वंस दे हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, सो वन ओवर एस माइनस टू की होल स्क्वायर इन टू एस स्क्वायर प्लस फोर आफ्टर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, ये बन जाएगा. अब इसकी सबकी आपको इनवर्स लैपलेस पता है, इसकी ई रेस टू पार टू टी, इसकी टी इंटू ई रेस टू पार टू टी, और ये बन रहा है आपका कॉस टू टी. सो फाइनली ये क्योंकि एक ही टर्म थी, ठीक है, सो ये वाली टर्म प्लस साथ में ये वाली टर्म. अब यहाँ पे टर्म्स आपस में एस माइनस टू होल स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी एस माइनस टू होल स्क्वायर वाली टर्म है, तो इन दोनों को कंबाइन करके ये आ गया. नेक्स्ट इज इजी. नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 9. अगेन इसमें 3 डिग्री तक जा रहा है. सो थर्ड डिग्री है तो एस क्यूब तक आएगा आपके पास, एस क्यूब कैपिटल एस एक्स माइनस एस स्क्वायर एक्स एट जीरो माइनस एस एक्स डैश एट जीरो माइनस एक्स डबल डैश एट जीरो, देन डी एक्स बाई डी टी की एस कैपिटल एक्स एट जीरो माइनस एक्स एट जीरो, साइन टी की फोर ओवर एस स्क्वायर प्लस वन. एक्स एट जीरो एक्स डैश एट जीरो एंड एक्स डबल डैश एट जीरो की वैल्यूज पुट करोगे, कैपिटल एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट करोगे एंड फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स. तो यहाँ पे भी अगर आप देखो ये जो कैपिटल एक्स की वैल्यू आई है, डिनोमिनेटर में डिग्री है एस की 2, 3, 4, 5th डिग्री और न्यूमिनेटर में डिग्री है 4th. सो इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस माइनस वन प्लस सी ओवर एस प्लस वन प्लस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म है तो डी एस प्लस सी ओवर एस स्क्वायर प्लस वन. अगेन एक बार एस को जीरो, एक बार वन और एक बार माइनस वन पुट करेंगे तो ए बी सी की वैल्यूज़ मिल गई, देन इक्वेटिंग लाइक पावर्स ऑफ एस करके यहाँ पे आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी. टोटली कैलकुलेशंस हैं, आप खुद अपने हाथ से करोगे तभी समझ आएगा. सो ये इन्होंने एस फोर और एस क्यूब की पावर्स को कोफिशियंस को इक्वेट किया. ओके, क्योंकि ई तक जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए दो पावर्स को इक्वेट कर किया इन्होंने. सो ए बी सी डी ई की वैल्यूज़ मिलने के बाद आप देख रहे हो कि जो टर्म्स हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गई हैं, जिनकी इनवर्स लैपलेस आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो एंड हेंस यू हैव गॉट द आंसर. नेक्स्ट इज एग्जांपल 10. सॉल्व डी फोर माइनस एम फोर वाई इज इक्वल टू जीरो. तो अब इसमें जा रहा है 4th पावर तक, बट आप देखोगे कि इसमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वाई गिवन वाई वाई इज इक्वल टू 1 डी वाई y एट मतलब y इज इक्वल टू 1 एट t इज इक्वल टू 0 का मतलब है y एट 0 इज 1, डी वाई का मतलब है y डैश एट 0, डी स्क्वायर वाई का मतलब है y डबल डैश एट 0,
डी क्यूब का मतलब है वाई, ट्रिपल डैश है ज़ीरो, तो ये तीनों वैल्यूज़ तो ज़ीरो ही हैं हमारी, तो इसलिए कैलकुलेशंस इसकी थोड़ी इजी हो जाएंगी। सो फोर्थ डिग्री डेरिवेटिव है, तो बहुत ध्यान से इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है आपने। एस फोर कैपिटल वाई माइनस एस क्यूब वाई एट ज़ीरो माइनस एस स्क्वायर वाई डैश एट ज़ीरो माइनस एस वाई डबल डैश एट ज़ीरो माइनस वाई ट्रिपल डैश एट ज़ीरो माइनस एम फोर लैपलेस ऑफ वाई इज़ कैपिटल वाई। देन यहाँ से ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे आप, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद वी आर गेटिंग दिस। देन कैपिटल वाई वाली टर्म्स को इकट्ठा किया, कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले गए, सो कैपिटल वाई हमारा बन गया ये। आप एस फोर माइनस एम फोर कैन भी इसकी इनवर्स देखनी है आपने कैसे निकालेंगे। एस स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिख सकते हो आप। सो इनको अगर मैं डिफरेंस करूँ इनका नहीं, क्योंकि यहाँ पे एस स्क्वायर आ रहा है न्यूमरेटर में, तो सम इन दोनों का सम करने से टू एस स्क्वायर बन रहा है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये जो एस क्यूब था इसका एक एस स्क्वायर अंदर ले गए और एक एस बाहर। सो ये टू एस स्क्वायर में प्लस और माइनस एम स्क्वायर करने से ये बन गया। अब एस को भी अंदर ले जाओ तो एक टर्म आ जाएगी एस ओवर एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जिसकी इनवर्स लैपलेस होती है कॉस एम टी, और दूसरी आ जाएगी एस ओवर एस स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, जिसकी इनवर्स लैपलेस होती है कॉस हाइपरबोलिक एम टी। सो हैंस द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद है हमारा आर्टिकल टू, सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। सो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पहले आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से।